माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में आज जो हालात है स्वाइन फ्लू को लेकर के, उसे पूरे प्रदेश की जनता चिंतित है। पूरे एक मंत्री जी को छोड़ करके बाकी सारे जनप्रतिनिधि चिंतित हैं, और मंत्री जी केवल मात्र गर्मियों का मौसम आने का इंतजार कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कोई हो नहीं सकती हमारे प्रदेश में। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू से मौतें तो हजारों के पार चली गई, हजार से भी ऊपर है। ये आंकड़े तो वो आंकड़े हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने आया हो जागरूक व्यक्ति, और वहां पर उसका स्वाइन फ्लू का टेस्ट हुआ हो और वो पॉजिटिव आया हो। ऐसे हजारों गरीब लोग हैं जो ढाणी में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, इलाज की उनके पास व्यवस्था नहीं, उनको जानकारी नहीं क्या स्वाइन फ्लू होती है, सरकार की तरफ से कोई इलाज नहीं। और सरकार इस रूप में भी फेल है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मंत्री जी के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को बुला करके ये व्यवस्था करने की बात नहीं कही कि आप इसमें सहयोग कीजिए, ये स्वाइन फ्लू रुक सके। मैं अध्यक्ष महोदय, इससे जाने तो गई गई हैं, लेकिन इस स्वाइन फ्लू से हमारे प्रदेश में 5500 करोड़ का पर्यटन का नुकसान भी हुआ है। आज पूरे देश के लोग, विदेश के लोग राजस्थान आने से कतराते हैं। तो इस प्रकार की फेलियर गवर्नमेंट, जहां लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ स्वाइन फ्लू जैसी महामारी को नहीं रोक सकी, इसकी जितनी निंदा की जाए माननीय अध्यक्ष महोदय कम है। आज हर व्यक्ति आशंकित है, हर व्यक्ति हाथ मिलाने से घबराता है, हर व्यक्ति किसी के घर जाने से घबराता है, पता नहीं उसको स्वाइन फ्लू है कि नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना ज्यादा भयंकर आक्रोश जनता में है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की भी नौबत आ सकती है। आज आईसीयू का डॉक्टर, उसके स्वाइन फ्लू, हमारे गृहमंत्री के स्वाइन फ्लू, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के स्वाइन फ्लू, सूर्यकांता जी माननीय सदस्य ने छुट्टी ली, उनके स्वाइन फ्लू। और मैं समझता हूं कि ये जो सीटें खाली हैं, इनमें से अब अगर हमारे जनप्रतिनिधियों में किसी का टेस्ट कराएं, तो आप तो सभापति महोदय सुरक्षित है, बिल्कुल स्वस्थ है, और आंखों का इलाज कराने के बाद में आपके चेहरे की तो रोने की 22-25 साल कैसे युवा की हो गई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका मन भी, आपको भी माननीय सदस्य, आपको भी हुआ क्या स्वाइन फ्लू? हो सकता है, मैं तो कल मास्क हम इसीलिए लगा के आए थे कि ये सरकार चेते तो सही, स्वास्थ्य मंत्री जी बाहर घूम रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं कम से कम, और जवाब ऐसा बचकाना जवाब कभी किसी मंत्री का हमने नहीं सुना कि जब अशोक जी गहलोत के स्वाइन फ्लू हो गया तो गए बंबई से ले आए, तो फिर कटारिया साहब कहां से लाए? ये किसी के भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के बयान दे करके एक हास्यास्पद स्थिति हमारे पूरे प्रदेश में बन गई, लोगों में एक इतना बड़ा आक्रोश है। अध्यक्ष महोदय, मैं सही निवेदन कर रहा हूं, किसी भी गांव में जाते हैं तो उस गांव में सैकड़ों लोग बीमार हैं। अरे भाई, मेरे छोटा सा भी जुकाम हो गया, मेरे स्वाइन फ्लू तो नहीं है, मेरे क्या इलाज है क्या नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये गर्मी का इंतजार नहीं करें। हमारे प्रमुख शासन सचिव कह चुके, हमारे विशेषज्ञ कह चुके कि मंत्री जी गर्मी और सर्दी से इसका कोई असर नहीं होता है, इसका अपन मिलकर के इलाज कराएं। लेकिन पता नहीं क्या मंत्री महोदय को हो गया कि केवल मात्र बैठे बैठे देख रहे हैं कि अपने आप गर्मी आए, अपने आप स्वाइन फ्लू से पिंडा छूट जाए। ये बहुत ही अध्यक्ष महोदय गंभीर मुद्दा है। हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा प्रतिपक्ष इस बात की, सरकार की निंदा करता है कि ये स्वाइन फ्लू के मामले में फैल रहे हैं और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। आज भी केवल मात्र जवाब दे करके पूरा पिंडा छुड़ाना चाहते हैं। केवल जवाब से मंत्री महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जवाब से नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है, हर व्यक्ति की चिंता रहती है कि मैं स्वस्थ हूं, उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया में वो भाग लेना चाहता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि सरकार इस फेलियर की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल रही है? मंत्री महोदय स्वयं लेते हैं या किसी अधिकारी को जिम्मेदार मानते हैं? और प्राइवेट के लोग ये सहयोग करने को तैयार थे, लेकिन सरकार की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए भी कोई जो पहल नहीं की गई। इसलिए इस पूरी की पूरी सरकार जो स्वाइन फ्लू से, महामारी से पूरे प्रदेश की जनता को नहीं निकाल सकी, उसकी हम निंदा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।